जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों ने जिन तीन आतंकियों को मार गिराया था, अब उस पे एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए आतंकवादियों के पास से हाईटेक अमेरिकी असॉल्ट राइफल पाई गई हैं, जिनसे एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इन आतंकियों के पास से हाईटेक हथियार कहां से और कैसे मिले। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से जांच कर रही हैं। इसमें सप्रेसर्स, लेजर पॉइंटर्स के साथ साथ टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और यही वजह है कि ये राइफल और ज्यादा हाईटेक और खतरनाक हो जाती है। इतना ही नहीं, बरामद हथियारों में अमेरिकी असॉल्ट राइफल के अलावा बड़ी संख्या में चीन से बने हैंड ग्रेनेड और पिस्टल भी है। ये पहला मौका है जब सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से ऐसे हाईटेक और खतरनाक हथियार बरामद किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक चिंता का विषय बन गया है। अब सोचने की बात तो ये है कि अगर नगरोटा में मुठभेड़ में मारे गए आतंकी यहां से बचकर निकल जाते तो भारी तबाही मचा सकते थे, लेकिन हमेशा की तरह उस दिन भी भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। वही कश्मीर आने जाने वाले ट्रक में आतंकियों के छिपे होने की घटना के बाद कश्मीर आने जाने वाली हर एक गाड़ी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। आतंकियों के पास से बरामद किए गए गोला बारूद और असॉल्ट राइफल इतने खतरनाक थे कि ये किसी बुलेट प्रूफ वाहनों को भी आसानी से छलनी कर सकते थे। आतंकियों के पास से गोला बारूद लेवल 3 की सुरक्षा को भेदने वाला था। लेवल 3 की सुरक्षा यानी जो सुरक्षा उपराज्यपाल, उनके सलाहकार और सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के पास होती है। बताया जा रहा है कि आतंकियों के पास से स्टील की गोलियां, पिस्टल, अमेरिका की M4 गन के साथ साथ कुल 52 जानलेवा हथियार मिले थे। ऐसे में अब ये तो साफ है कि मारे गए इन आतंकियों का मकसद जम्मू कश्मीर में VVIP लोगों को निशाना बनाना था। मारे गए तीन आतंकी जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे और वो फिदायीन हमलावर थे। जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक जिस ट्रक पर सवार होकर आतंकी जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रहे थे, उसका ड्राइवर पिछले साल फरवरी में पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला करने वाले आतंकी आदिल डार का चचेरा भाई समीर अहमद डार है। बहरहाल हर पहलू को लेकर सुरक्षा एजेंसियां बारीकी से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।